अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो नया फीचर आया हुआ अकाउंट सिक्योरिटी सेटिंग, इसका बेनिफिट क्या है, इसके यूजेस क्या है, वो सभी अभी इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे ही आप गो पे क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये कुछ अकाउंट में अवेलेबल है, कुछ में अवेलेबल नहीं है। तो जिनके पास नहीं है वेट करना, क्योंकि मेरे पास भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये नदीम भाई की जो आईडी है उसने मुझे दी हुई है, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उसको मैं बोलता हूँ तो वो मुझे अकाउंट जो लॉगिन दे देता है। काफ़ी लोग उसके पास अकाउंट वगैरह होते हैं। तो इधर जो है ना डिवाइस शो होंगी, ट्रस्टेड डिवाइस जिनको बोलते हैं ना, वो शो होंगी। उनका जो स्टेटस होगा ना वो ऑथोराइज होगा। तो जिन डिवाइस का ये ऑथोराइज होगा ना तो उनका ये बेनिफिट होगा। तो जैसे ही आप कोई भी लिंक जो है ना, थर्ड ईमेल फ़ोन नंबर चेंज करना चाहते हो, या फर्स्ट सेकंड जो है ना लिंक करना चाहते हो, या अनलिंक करना चाहते हो, तो जैसे ही आप करेंगे तो आपको कोई भी किसी किस्म का इशू नहीं बनेगा। मीन के लॉगिन नॉट इनफ वाला, या सिक्योरिटी चेक फेल्ड वाला, कोई भी किसी टाइप का इशू नहीं बनेगा। तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसका ये बेनिफिट होगा कि जो डिवाइस है वो ट्रस्टेड में चला गई है। अकाउंट लेते हो किसी से या कोई भी परचेजिंग वाला सीन करते हो तो आप ऐसी आईडी लॉगिन करोगे तो आपकी जो मीन के डिवाइस होगी ना वो नीचे इधर शो हो जाएंगी, इधर आपकी डिवाइस नीचे शो हो जाएंगी और वो नॉट ऑथोराइज्ड होगी। तो आपने क्या करना है, जिससे अकाउंट लिया उसको बोलना आईडी लॉगिन करे। जैसे ही वो आईडी लॉगिन करेगा फिर उसको बोलना कि मेरी जो डिवाइस है ना उसको ऑथोराइज्ड कर दे। जैसे ही वो ऑथोराइज्ड कर देगा तो आपकी जो डिवाइस होगी ना वो इधर शो हो जाएगी, ट्रस्टेड में चला जाएगी। तो फिर आपने क्या करना है, आईडी लॉगिन करनी है और उसकी जो जिसका अकाउंट है उसकी डिवाइस आपने रिमूव पे क्लिक करके रिमूव कर देनी है। तो इसका ये बेनिफिट होगा। जैसे ही आप जो है ना ईमेल चेंज करना चाहते हैं, ईमेल फ़ोन नंबर चेंज करना चाहते हो इजीली चेंज कर सकते हैं, या कोई भी फर्स्ट सेकंड जो लिंक करना चाहते हैं या अनलिंक करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। आपको किसी किस्म का कोई भी सिक्योरिटी चेक फील्ड या लॉगिन नॉट इनफ वाला जो इशू है वो नहीं फेस करोगे। आपकी डिवाइस जो वो ऑथोराइज्ड नहीं है तो आप ऐसे चेंज करोगे, चेंज नहीं कर सकोगे आप। इवन कि आप 30 डे लॉगिन भी कंप्लीट कर लोगे ना तब भी आपकी जो है ईमेल फ़ोन नंबर चेंज नहीं होगा, ना ही आप लिंक और अनलिंक कर सकोगे। तो आपको फिर 2-3 मंथ जो है ना प्ले करना पड़ेगा, तब जाके जो सिस्टम आपकी डिवाइस, जब भी आपकी डिवाइस ट्रस्ट में चला जाती है तब जो है ना आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो यही इसका फंक्शन है। तो आपने जब भी अकाउंट लेना है इसको पहले ऑथोराइज करना है, देन जो है ना आपने मीन के उस बंदे को जो है ना रिमूव करना, अदरवाइज आप रिमूव भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ वही डिवाइस जो है ना रिमूव कर सकती हैं जो ऑथोराइज्ड हैं, वरना रिमूव नहीं कर सकती। तो सही है, यही बताना था आप लोगों को। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो वीडियो करते हैं एंड। ओके, अल्लाह हाफिज़।